नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलकार में आपके साथ वंदना कादियम। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में कोरोना की सुस्त पड़ती रफ्तार के साथ सरकार अब ब्लैक फंगस से निपटने पर दे रही जोर। ब्लैक फंगस के 54 नए केस आए सामने। सक्रिय मरीजों की कुल संख्या का आंकड़ा पहुंचा 668 पर। प्रदेश में कोरोना के कारण माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए 18 वर्ष तक सरकार हर महीने देगी 2500 रुपए। किसान 5 जून को भाजपा सांसदों, विधायकों व जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों के सामने कृषि कानूनों की प्रतियां जला मनाएंगे संपूर्ण क्रांति दिवस। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील कुमार का पुलिस रिमांड अदालत ने 4 दिन बढ़ाया। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज ने मरीजों की सुविधा के लिए टेली मेडिसिन सेंटर की शुरुआत। आसपास के 5 जिलों के मरीजों को मिलेगा लाभ। राहत की बात, पानीपत में कोरोना केसों में लगातार आ रही कमी, मिले 25 नए संक्रमित। युवाओं का कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद जिले में देखने को मिल रही खून की कमी। रक्त की कमी को दूर करने के लिए वैक्सीनेशन से पहले भी ब्लड किया जा सकता है डोनेट। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में पिछड़ा हुआ पानीपत प्रदेश में 11वें स्थान पर। अब पार्षद, सरपंच और पंच के माध्यम से स्वास्थ्य टीम पहुंचेगी लोगों तक। नीरज बवाना गैंग के नाम पर 10 लाख रुपए मांगने के मामले में स्पेन में रह रहे दोस्त ने किया था फाइनेंसर के साथ मजाक। भारत नगर में एक महिला ने बच्चों के कपड़े और गृहस्थी के लिए खर्च मांगा तो पति ने तवे से पीटा। किला थाना पुलिस ने पति समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गांव गढ़सरनाई में एक विवाहिता ने शादी के 3 साल तक देश प्रताड़ना सहने के बाद फांसी का फंदा लगा की आत्महत्या। सेक्टर 13-17 थाना पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। सिविल अस्पताल में कर्मचारी ने ऑपरेटर का फोड़ा सिर, सीट पर बैठने को लेकर दोनों के बीच हुई थी कहासुनी। सुबह के इस ताजा अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।